अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने 10 तक गिनती को देखा था, काउंटिंग को देखा था, और आज की इस वीडियो में हम 99 यानी 99 तक गिनती को देखेंगे और याद भी करेंगे। दोस्तों, बस आपने ज़रा गौर से इस लेक्चर को देखना है, और इसके अलावा आपने जो पिछला लेक्चर है उसको भी एक बार दोहरा लेना है, ताकि क्योंकि उसी उन्हीं चीज़ों का इस लेक्चर के अंदर भी इस्तेमाल होना है। और चाइनीज़ काउंटिंग बहुत ही आसान है, याद करना भी और समझना भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था ई, एक, अर, दो, स, सन, सन, थ्री, स, फोर, वु, पांच, लियो, छः, छी, सात, पा, आठ, च्यो, नौ, शिर, दस। तो उन्हीं चीजों का, इन्हीं 10 वर्ड का बार बार यूज होना है, तो आप उनको लाजमी से दोहरा लीजिएगा और अच्छा अच्छे तरह से याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 11 से 99 तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखें, सबसे ऊपर आप देखें, हमने देखा था शिर, एस एच आई, शिर, शिर मतलब 10, ठीक है। तो अगर हम शिर से पहले अर, अर यानी दो लगा देंगे, यानी इसको हम अभी कैसे बन जाएगा, अर शिर, तो इसका क्या मतलब है, 20 यानी 20, अर शिर 20। तो तीन के लिए हमने क्या यूज किया था, सन। तो सन शिर, ये देखिए प्रोनाउंस करने का तरीका बताया आपको, सन शिर 30। तो आप समझ रहे हैं कि जो खाली 10 था वो तो वैसे ही है शिर, एस एच आई, शिर, लेकिन जो बकाया है उनके साथ आपने वही गिनती लगा दी, अर, सन, स, वु, लियो, छी, पा, च्यो। अर मतलब दो, सन थ्री, स फोर, वु पांच, लियो छः, छी सात, पा आठ, च्यो नौ। और ये देखिए शिर शिर शिर, ये वैसे का वैसे आ गया, यानी 10। जिस तरह के हम करते हैं, दो जरबे 10, तीन जरबे 10, दो जरबे 10 20, तीन जरबे 10, तीन मल्टीप्लाई बाय 10 30, चार मल्टीप्लाई बाय 10 40, ठीक है। बहुत ही आसान है, यानी 10 कैसे होगा, शिर, अर शिर 20, सन शिर 30, स शिर 40, वु शिर 50, लियु शिर 60, छी शिर 70, पा शिर 80, च्यो शिर 90, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, हमने देखा कि शिर इसका मतलब है 10, तो अर का मतलब क्या था, दो, तो टू दो जरबे 10 कितना हो गया, 20, यानी अर शिर 20। तो इसी तरह तीन को क्या कहते थे, सन, तो शिर, सन शिर यानी तीन जरबे 10 30, स शिर 40, वु, वु मतलब पांच, पांच जरबे ये शिर क्या था, 10, वु शिर 50, लियु शिर 60, छी शिर 70, पा शिर 80, च्यो शिर 90। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पिछली वीडियो आप लाजमी देखें, और 10 तक आपको गिनती हर सूरत याद होगी, तो आप ये कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद ये देखें, ये अब हम देखते हैं कि जी शिर हमने देखा, ये देखें शिर, ये सबसे ऊपर हमने देखा, इसका मतलब था 10 यानी 10। तो फार्मूला है हमारे पास, 11 को अगर हमने बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, 10 जमा 1, ठीक है, 10 में जमा 1 करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह चाइनीज में भी है, तो देखें कैसे होगा, 10 को हम क्या कहते हैं, शिर, और ये देखें 1 को क्या कहते हैं, ई, शिर ई 11, शिर अर 12, शिर सन 13, अर 2, सन 3, स 4, वु 5, लियु 6, छी 7, पा 8, च्यो 9, ठीक है। शी ई, सॉरी शिर ई, शिर अर, शिर सन, शिर स, शिर वु, शिर लियो, शिर छी, शिर पा,
शिर च्यो, ठीक है, ये पूरी गिनती आप 11 से 19 तक। अब उसके बाद देखते हैं जी 20 को हमने क्या कहा था, अर शिर, ये देखें अर शिर मीन 20 यानी 20, ठीक है, अर दो शिर 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, तो फार्मूला क्या है जी 20 + 1 = 21, वही यानी 20 को क्या कहेंगे अर्शिर और आगे 1 को क्या कहेंगे जी हम ई, अर्शिर ई 21, अर्शिर अर 22, अर्शिर सन 23, अर्शिर स 24, अर्शिर वु 25, अर्शिर लियो 26, अर्शिर छी 27, अर्शिर पा 28, अर्शिर च्यो 29, ठीक है। उसके बाद है जी सनशिर, ठीक है, सनशिर में 30 30, तो फार्मूला क्या है 30 + 1 = 31, 30 को क्या कहते हैं सनशिर, तो सनशिर ई 31, सनशिर आर 32, सनशिर सन 33, सनशिर स 34, सनशिर वु 35, सनशिर लियो 36, सनशिर छी 37, सनशिर पा 38, सनशिर च्यो 39, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है जी सशिर यानी 40 40, फार्मूला क्या है 40 + 1 = 41, यानी 40 की चाइनीज क्या है सशिर और 1 की ई, तो कैसे बन गया सशिर ई 41, सशिर अर 42, सशिर सशिर सन 43, सशिर स सशिर स 44, सशिर वु 45, सशिर लेव 46, सशिर छी 47, सशिर पा 48, सशिर च्यो 49। इसी तरह हमारे पास है जी वुशिर, वुशिर 50 50, फार्मूला क्या है जी 50 + 1 = 51, तो देखते हैं 50 की चाइनीज क्या है वुशिर और 1 की ई, तो देखें कितना सारा वु मतलब 5, शिर 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, ठीक है, वुशिर ई 51, वुशिर अर 52, वुशिर सन 53, वुशिर स 54, वुशिर वु 55, वुशिर लिव 56, वुशिर छी 57, वुशिर पा 58, वुशिर च्यो 59। 60 की चाइनीज क्या है लियो शिर, लियो मतलब 6, शिर मतलब 10, 6 जरबे 10 60, फार्मूला क्या है 60 + 1 = 61, 60 की चाइनीज क्या है जी लियो शिर, ले देखें बहुत ही आसान है, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, चीजों को याद करना है, 10 तक अगर आपकी गिनती बहुत अच्छी है तो आगे आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। लियो शिर ई 61, लियो शिर अर 62, लियो शिर सन 63, लियो शिर स 64, लियो शिर वु 65, लियो शिर लियो 66, लियो शिर छी 67, लियो शिर पा 68, लियो शिर च्यो 69, बहुत ही आसान। इसी तरह हमारे पास जी छी शिर है, छी शिर छी मतलब 7, जरबे शिर मतलब 10, 7 जरबे 10 70 70, फार्मूला है 70 + 1 = 71, ठीक है, 70 को 70 को चाइनीज में क्या कहते हैं छी शिर, छी शिर ई 71, छी शिर अर 72, छी शिर सन 73, छी शिर स 74, छी शिर वु 75, छी शिर लियो 76, छी शिर छी 77, छी शिर पा 78, छी शिर च्यो 79। इसी तरह हमारे पास है जी पाशिर यानी 80 80, पा मतलब 8 जरबे शिर 10, 8 जरबे 10 80, फार्मूला है 80 + 1 = 81, तो 80 की चाइनीज क्या है पाशिर, तो कैसे होगा पाशिर ई 81,
पाशिर अर 82, पाशिर सन 83, पाशिर स 84, पाशिर वु 85, पाशिर लियो 86, पाशिर छी 87, पाशिर पा 88, पाशिर चो 89। इसी तरह हमारे पास है च्योशिर, च्योशिर ठीक है मतलब 90, च्यो मतलब 9, जरबे शिर मतलब 10, 9 जरबे 10 90, 90। फार्मूला है 90+1, 91, 92, 93 इस तरह ठीक है। तो 90 को क्या कहते हैं जी, च्योशिर, च्योशिर ई 91, च्योशिर आर 92, च्योशिर सन 93, च्योशिर स 94, च्योशिर वु 95, च्योशिर लियो 96, च्योशिर छी 97, च्योशिर पा 98, च्योशिर च्यो 99। तो देखा दोस्तों आपने कितनी ही आसान है, जस्ट आप अगर जो हमारे पास 10 बेसिक इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो 10 बुनियादें हैं, यानी ई मतलब 1, आर मतलब 2, सन मतलब 3, स मतलब 4, वु मतलब 5, लियो मतलब 6, छी मतलब 7, पा मतलब 8, च्यो मतलब 9, शिर मतलब 10। अगर आप ये 10 जो बेसिक जो अदाद हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, इन पे ग्रिप हासिल कर लेंगे, तो बकाया 99 तक आपकी गिनती समझे हो गई। बहुत ही आसान है, आपको एक एक चीज बता दी गई है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे याद करें, आपको ये याद हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।